नमस्कार, जीएसटी विशेष अंदर की बात के साथ मैं हूं कृष्णा। बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एक बनाने में जुटे हैं। नीतीश कुमार ने तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की है। नीतीश से मिलने के बाद अखिलेश और ममता का रुख नरम हुआ है और कहा है कि वो बीजेपी को हराने के लिए हर कोशिश का समर्थन करते हैं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ी पार्टी है और राज्य की सत्ता पर काबिज है। वहीं समाजवादी पार्टी यूपी की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। बंगाल और यूपी में इन्हीं दोनों पार्टियों का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। इन दोनों राज्यों में लोकसभा की 122 सीटें हैं। ममता और अखिलेश से मुलाकात के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो भी दल साथ आना चाह रहा है उनके साथ जल्द ही एक मीटिंग होगी, सभी दलों के साथ मिलकर चेहरा फाइनल कर दिया जाएगा। इस दौरान नीतीश ने कहा कि पीएम बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जिस तरह नीतीश के साथ आने को तैयार हुए हैं, उससे सियासी अटकलें भी लगनी शुरू हो गई है। ममता और अखिलेश हाल ही में कांग्रेस के साथ गठबंधन के प्रस्ताव को ठुकरा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस को ठुकराने वाले अखिलेश और ममता का नीतीश कुमार से किन मुद्दों पर सहमति बनी है। आखिर 2024 के चुनाव के लिए इसका क्या नतीजा निकलेगा। नीतीश कुमार से मुलाकात में ममता बनर्जी ने कहा कि गठबंधन को लेकर हमेशा से विपक्षी दलों की मीटिंग दिल्ली में होती है और यह कांग्रेस की मीटिंग बनकर रह जाती है, इसलिए दिल्ली की बजाय इस बार पटना में सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए। मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का बिगुल भी पटना से ही फूंका था। हम चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक पटना में ही बुलाया जाए। कांग्रेस के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि 2003 के बाद से बीजेपी के खिलाफ सभी सर्वदलीय मीटिंग कांग्रेस के अध्यक्ष के आवास पर ही हुई है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता भी कई बार इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष के आवास को छोड़कर अगर कहीं और मीटिंग होती है तो इसका साफ मतलब है कि नया मोर्चा जो बन रहा है उसका नेतृत्व कांग्रेस के हाथों में नहीं रहने वाला है। नीतीश कुमार और कांग्रेस ने अभी इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के चंद्रशेखर राव समेत ऐसे कई विपक्षी नेता है जिन्हें 2024 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा पसंद नहीं है। ममता और अखिलेश के बाद गठबंधन को लेकर केसीआर ने भी रुख नरम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।